एज यूजुअल हम लोग फिनिक्स मॉल पहुंच गए हैं और हमेशा की तरह बहुत मुश्किल से पार्किंग ढूंढ रहे हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज संडे के दिन है, विवान के स्कूल का एक फंक्शन है। वो देखो उधर से आ रहा है कॉर्नर से। आ जा, ओपन कर दू। पीछे आओ। हाँ, तुम कहाँ मिट्टी उठते चले गए, चलो आ जाओ। तो आज विमान के स्कूल का एक प्रोग्राम है जो मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। सैटरडे को भी एक्चुअली इसका स्कूल था, वो प्रॉपर स्कूल था, स्कूल में जाके था। आज एक कुछ एक्टिविटी है जो प्ले एंड लर्न के साथ कोलेबोरेशन किया है लिटिल मिलेनियम ने, और मॉल में एक एक्टिविटी, क्योंकि वो इस फिनिक्स मॉल में नया प्ले एंड लर्न अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं। तो बच्चों को इन्वाइट किया था कि बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, फिर बाद में जब ओपन करें तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब उनके यहाँ जाएं, खेलें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके लिए तो उसमें आज क्या है, कुछ कलर एक्टिविटी है, कलर करने हैं पेरेंट्स के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, कोई बात नहीं, अभी हम लोग जस्ट यहाँ से निकले हैं। और कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, वहाँ पहुँच जाएंगे। 2 से 3:30 है अभी, ऑलरेडी 2:24 हो गया है। 10 मिनट 15 मिनट में पहुँचते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी है, आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी है। चलिए चलते हैं। एज यूजुअल हम लोग फिनिक्स मॉल पहुंच गए हैं और हमेशा की तरह बहुत मुश्किल से पार्किंग ढूंढ रहे हैं हम लोग। पार्किंग नहीं मिला, पीछे भी गाड़ियां खड़ी हैं 2-3 और लाइन से करीब हम लोग घुसे हुए, हम लोग को 6-7 मिनट हो गए, अभी भी लाइन में ही है और पार्किंग मिल नहीं रही है। एक एक करके लाइन आगे बढ़ रही है, तो अभी देखते हैं कब तक पार्किंग मिलती है। पार्किंग मिल गई, हम लोग आ गए अंदर। हम पहुंच गए हैं उसके प्ले स्पॉट पे। हम लोग देख रहे हैं एंट्री कहाँ से है, इधर सामने से एक गेट बना है, आई थिंक यहाँ से एंट्री होगी। लेट्स सी, क्यों है, क्या लाइन है, शायद लाइन है। आ जाओ लाइन में लगाओ। प्ले एरिया में एंट्री करते समय डायरी में या किसी बुक में एंट्री हो रही थी जिसमें पेरेंट्स का नाम, बच्चे का नाम, देन क्लास का नाम नोट किया जाता था, क्योंकि लिटिल मिलेनियम वाले ही सिर्फ अलाउ थे। तो अवंतिका एंट्री करा रही है अपनी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा अंदर हो गई थी, उसमें बोला गया था कि एक पेरेंट ही बच्चे के साथ जाएगा। तो इनिशियली अवंतिका अंदर गई थी बाबू के साथ, मैं और अंकुर बाहर ही खड़े थे। और इतनी गर्मी थी वहाँ पे, आप सबको देख पा रहे हो, सब बुकलेट लेके अपने आप को हवा दे रहे थे। विमान वहाँ सामने बैठा है, एक्टिविटी अपनी जस्ट स्टार्ट करने जा रहा है। स्टेज पे भी बच्चे जाके फोटो क्लिक करा सकते थे, वहाँ पे एंजॉय कर सकते थे। तो कई बच्चे वहाँ एंजॉय कर रहे थे विमान की पेंटिंग के बाद, हम लोग भी जाते हैं। कुछ देर बाद भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया गया कि पेरेंट्स यहाँ से हट के पोडियम पे जाके खड़े हो जाइए। तो मैं और अवंतिका इधर पोडियम की तरफ आ गए थे। विवान अपनी इस कलर एक्टिविटी को काफ़ी एंजॉय कर रहा है, ही इज़ अबाउट टू डन। अपने हिसाब से उसने सारा कलर कर दिया और कितना अच्छा लग रहा है, एंड रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अवंतिका थोड़ा फिनिशिंग देते हुए, और ये देखो ये एंड रिजल्ट है, कितना प्यारा लग रहा है ये। अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ आ गए हैं जहाँ पे भी कलरिंग ही करना है, बट एक पेपर पे कई सारे डिज़ाइंस दे गए हैं, उसके अंदर कलर फिल करना है। तो उसने अपना कलर चूज़ कर लिया है, इसको पता है कलर को थोड़ा सा झटका दो तब कलर आता है। कई लोग को ऐसे जैसे देखा है इसने, वैसे ही ये सीख रहा है, थोड़ा झटका दिया कलर आया, अब उसने कलर करना स्टार्ट कर दिया। उस इवेंट की एक अच्छी बात और थी कि साथ में एक फूड कूपन मिला था, ओल्ट का एक फूड कूपन मिला था जो सिर्फ बच्चे के लिए था। पहले हमें लगा हमारे लिए भी होगा, बट दैट वॉज फॉर ओनली किड। उसमें क्या था, एक बर्गर था, फ्राइज था, एंड देन उसके पास रियल का फ्रूट जूस था। अपने आप डालने की कोशिश कर रहा था उसने, बट गया नहीं, बट मम्मा ने उसको दिया। फिर उसने वो राहत के सांस ली क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, और उसके बाद ये ठंडा ठंडा पी के मुझे पता है उसको बहुत मज़ा आया होगा।
चाह पी के निकलते निकलते निकल रही थी, मैडम उनके पैर में चोट लग गई। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कहोगे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ तो विमान ने अपना फ्री वाला फोकट वाला बर्गर खा लिया। हम लोग की बारी है, कहाँ रह गए लोग? इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं इतने तेज आगे निकला है, धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखो इसने ये बूबा ले लिया था, आया अभी खींचा है पूरा गर्दन अंदर ही चला गया डायरेक्ट सीधे। हाँ। चबाया ही नहीं। एक तो ये थोड़ा सॉफ्ट भी है ना, ये वाला हार्ड था। तो घर पे मेरी स्लीपर टूट गई थी, तो जाते जाते हम लोग बाटा के शोरूम में घुसे। उसके बाद मैंने ये कितनी मस्त स्लीपर ली, पहनने में बहुत अच्छा लगा और ये इकोनॉमिकल है। 599 रुपए का लिया और यह बहुत अच्छा लग रहा है। इसको लेके निकलते हैं। सो भाई बैक टू होम नाउ। पूरा दिन की थकावट हो गई है, अभी 8 बज गए हम लोग घर आते आते। थोड़ा इधर उधर चले गए थे घूमने फिरने और मौज मस्ती करने, खाए पिए भी और भी उसके साथ थके भी। अभी आगे थक बहुत गए हैं, कल से ऑफिस है। अब थोड़ा ये घर की सफाई करते हैं, कुछ ये कपड़े वपड़े धुलने को वो धुलने को डालते हैं। उसका थोड़ी देर बैठ के टीवी देखते हैं, आधा घंटा एक घंटा रिलैक्स करते हैं, पंखा चला के हाथ पैर धुल के उसका सोते हैं। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।